इसलिए भाइयों कुरान कह रहा है अम्बियाम है किसी की न छोड़ा है और जाता है मोमिनीन है जिन दिन की बदली की बात लोगों ने पूछा की और अल्लाह का शरीक बनाया और सारे भैया दुबार होकर कह रहे अरे हमारे पूछने वालों हम तुम्हारी हर पूजा से बेखबर थे हमें कोई नहीं पता और वाकई कैसे पता हो पूजने वाला तो इधर जमीन पे पूज रहा है जमीन पे तो उनका जिस्म रह गया जो कब्रों में दफन कर दिया गया और दफन होने के बाद उस जिस्म को मिट्टी खा गई और रूह फरिश्ते लेकर आसमानों पर पहुंच गए और अंबिया सलाम और सिद्दीकीन शुहदा और अल्लाह के अरबाब को जन्नत में अपने अपनी शान के मुताबिक दाखिल कर दिया गया जन्नत में रहने वाले को दुनिया के काम करने वाले की क्या खबर उसको क्या पता कि दुनिया में कौन क्या कर रहा है उन्होंने तो 100% सही कह दिया कि हम तुम्हारी हर इबादत से बेखबर थे हमें कोई पता नहीं तुमने क्या किया ये कहते नहीं गरीब धर्म पर जब कोई जरूरत पड़ता है इंसान की जरूरत लौट आती है और फिर वो उसके जवाब सलाम का दरूद का जवाब देता है जब कोई जरूरत पड़ता है जो लौटती है फिर निकलती है फिर जरूरत पड़ता है फिर लौटती है फिर निकलती है फिर जरूरत पड़ता है फिर लौटती है ये अजीब मजाक है लोगों पर एक मौत आई और इंसान पर करोड़ों मौतें आ गई भाई निकल गई तो मौत आ गई दाखिल हो गई तो जिंदगी आ गई फिर क्या कहते नहीं नहीं चूंकि हर वक्त लोग पढ़ते रहते पढ़ते रहते पढ़ते रहते इसलिए निकलती नहीं है दरूद एक इबादत है और सारी इबादत नेक अमाल किधर पहुंचते अल्लाह के पास खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं हफ्ते में दो बार हर आदमी के अमाल अल्लाह के पास पेश किए जाते हैं सोमवार को जुमेरात को नबी करीम सलाम क्या फरमाते हैं कि अमाल किधर पेश होते हैं अल्लाह के पास और फरमाते इसलिए मैं आमतौर पर सोमवार और जुमेरात का रोजा रखता हूं ताकि मेरे अमाल नामे में रोजा भी हो और ये मोदी क्या कहते हैं बाकी अमाल तो अल्लाह के पास पेश होते जरूर अल्लाह के रसूल पर पेश होता है किसने मारा है इसको हदीस के गुलूब ने कुरान की तकदीब ने कुरान के कुफर ने मार दिया इसको जब अल्लाह ने कह दिया था इलैही यसअलुल कलिमुत तैयिब तैयिब कलमे किधर करते अल्लाह के पास इलैही यरजउल उमूर सारी उमूर किधर लौटा जाते अल्लाह के पास लौटा जाते तो अगर कुरान को मानता तो ये दुरूद का पेश होना नबी सलाम पर और उसके रूह का लौटना और जवाब देना ये बातें न करता